हमारी छोटी बहन है चंपक, उसकी उम्र 1.5 साल के आसपास होगी, 14 महीने। उसके माता पिता को जेल भेज दिया गया है इन्हीं NRC और CAA के प्रोटेस्ट में, जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे। वो बहुत चिंतित है और हम लोग उसके लिए भी बहुत चिंतित हैं। वो दिन भर अपने माता पिता को ढूंढती रहती है। ऐसे बहुत अन्य लोग हैं, हमारे दिवाकर भैया हैं, उनकी बेटी 1 महीने की है। हम उन सब के लिए चिंतित हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिले और सरकार इन माता पिताओं को रिहा करे और जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास वो माता पिता पहुंच सकें। मेरा नाम जागृति है और बनारस में सामाजिक कार्यकर्ता हूं और हम लोग बच्चों के अधिकारों पे काम करते हैं। और आज ये हमारी चंपक है, मैं रवि और एकता की बेटी है वो, और हम सब की बच्ची है। हम बहुत मुश्किल है ये बात बोलना, हम उसकी माँ और पापा की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि उसको थोड़ी देर खुश कर सकें। मैं अपने बच्चों को लेके राजघाट से आई हूँ, उसके साथ हैं हम लोग, और भी बच्चे हैं यहाँ आसपास के। हम लोग सद्बुद्धि को, प्रशासन को सद्बुद्धि आए और उसका गुस्सा शांत हो, और सामाजिक कार्यकर्ताओं की को प्रताड़ित करना और छात्रों को प्रताड़ित करना छोड़े। वो हमने कोई हिंसा नहीं की है, हम बिल्कुल अहिंसक तरीके से अपना प्रतिरोध, अपना विरोध जाहिर कर रहे थे, जिसका हमें हक है। आपको लगता है कि शांति व्यवस्था हमारी वजह से बिगड़ी, तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि वहाँ कोई ईंटा पत्थर नहीं चला, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, ना कोई हिंसा हुई। तो आप इसके बाद केवल 144 धारा थी, इसका प्रतिरोध, वो गुस्सा निकालने के लिए आप फर्जी मुकदमे करिए, ये तरीका ठीक नहीं है। अंग्रेज़ों की सरकार नहीं है इस देश के लोकतंत्र में, प्रशासन को भी लोगों के लिए काम करना चाहिए, किसी के इशारे पे, सत्ता के इशारे पे काम नहीं करना चाहिए।